शिकार होता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनेगी शिकार की, और आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी लाजमी करें। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आज का पहला शिकार एडसन स्ट्राइकर है 1100 के साथ। इसे हम ज़बह करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आज का शिकार, इसे हम ज़बह करते हैं अभी। ये है आज का शिकार, तो अभी हम इसको साफ करेंगे, तो इसको भी पकाएंगे भी, वो भी आपको वीडियो कोशिश करेंगे कि दिखा सके। तो ये था आज का शिकार। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी तो जो गोश्त होता है इसको सबसे पहले आपने करना ये है कि पानी में डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दें नमक और इसको बॉयल होने दें। ठीक है, इस तरह ये जो है ये इसका गोश्त वैसे सख्त होता है तो ये गल जाएगी जल्दी। जी तो ये डव जो है बॉयल हो चुकी हैं तकरीबन, इन्हें मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट बॉयल किया है, तो ये बॉयल करने के बाद ये नरम हो जाती है थोड़ा सा। जी तो इस पे कौरमा मसाला डाल दें थोड़ा सा, तकरीबन 2 चम्मच, और नमक थोड़ा सा डालना है, पहले हमने डाला है बॉयल होते हुए, फिर ज़्यादा हो जाता है चेक कर सकते हैं, और लाल मिर्च 1.5 चम्मच डाल दें। जी तो इसमें थोड़ा सा हमने अभी डाला है तेल, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तो फिर इसमें जो है प्याज फ्राई करते हैं।
अभी इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, प्याज फ्राई करेंगे और प्याज को जो है वो फ्राई करना है, हल्का ने ब्राउन करना है। ये देखें अब ये ठीक ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर को अच्छी तरह से इसके अंदर मसाले को तैयार करेंगे और मसाले की जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ठीक एक अच्छी सी भुनाई करें और ताकि अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। और अब जो पानी जो है वो जिसमें हमने बॉयल की थी ये इसका इसमें से गोश्त जो है बीच में डाल देना है और पानी को बचा लेना है। ठीक है, तो गोश्त को अब बीच में डालेंगे और इसकी जो है तकरीबन इसकी भी 10 मिनट बहुत अच्छे से तरीके से इसको भुनाई करेंगे इसकी। जी तो अब ये गोश्त जो है जो अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब इसमें हम डालेंगे वही पानी जो हमने जिसमें इस गोश्त को बॉयल किया था। और अब पानी डालने के बाद तकरीबन इसको हल्की आंच पे हम तैयार होने देंगे तकरीबन आधा घंटा। जी तो फ्रेंड्स ये सालन पक्के तैयार हो चुका है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।